और देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्र में अंधेरा पसरा हुआ है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है और पार्षदों ने एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कार्य को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, जिन्हें निस्तारण करने में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द ही किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, उस वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। अगर वो एक लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। संभव नहीं हो पाया उस ड्यूरेशन की, तो वर्तमान में हमारी जो टीम लगी है वो उनको डेली करीब 750 से लेकर 850 लाइटें ठीक कर रही हैं, जिसमें डेली की शिकायतें हैं। प्लस जो बैकलॉग है उसका भी समाधान किया जा रहा है और हम लोग इसमें टीम बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बैकलॉग है उसका